नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ट्रेनिंग में। तो अब हम देखेंगे ई हेल्थ की सर्विसेज, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ई हेल्थ की सर्विस क्या है। आपने हाल ही में देखा होगा कि ई हेल्थ की ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, बट क्या हुआ, कोविड के वक्त लोगों ने प्रेफर किया डॉक्टर्स को कंसल्ट करना फोन पर, वीडियो कॉल पर, ऑनलाइन से दवाई ऑर्डर करना पसंद किया और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आइए देखते हैं कि ई हेल्थ की सर्विसेज होती क्या है। तो पहले हम जानते हैं ब्लड टेस्ट या जो दूसरे चेक्स होते हैं, जिसके लिए सैंपल जो होता है घर से पिक होता है। ये कोई नई सर्विस नहीं है, आपने बहुत बार देखा होगा मैसेजेस जहाँ पर ब्लड टेस्ट और अलग अलग सैंपल के लिए आपको एसएमएस या व्हाट्सएप और ईमेल आते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेक्स जैसे 999 या 2000, 3000 के ऐसे चेक्स होते हैं, जो एक वन टाइम चेक होता है जहाँ से सैंपल कलेक्ट होता है और मल्टीपल चीज़ों का टेस्ट होता है और आपको रिपोर्ट भेजी जाती है ऑनलाइन, या तो फिजिकल कॉपी भी किसी किसी में घर पर मेल की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक सर्विस जो ई हेल्थ में आता है, जहाँ बाहर मिलता है और हाल ही में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरा, डॉक्टर कंसल्टेशन। ये सर्विस वैसे तो काफी पुरानी है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया, कुछ ऐप्स है जिसके थ्रू कंसल्टेशन होता है, टेलीफोनिक कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर होता है, तो टेली वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर का। तो पहले ऐप्स आते थे जिसमें कुछ आवर्स रहते थे, फिक्स नंबर ऑफ कंसल्टेशन फिक्स होता था, जिसमें एक अलग अलग पैकेजेस आते थे जिसमें आपके आवर्स और नंबर ऑफ कंसल्टेशन डिपेंड करता था, नंबर ऑफ मेंबर्स भी डिपेंड करता था। तो ये एक पुराना सर्विस है, मगर ये हाल ही में कोविड के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है जो ई हेल्थ के अंदर आती है। दूसरी सर्विस है ऑनलाइन फार्मेसी, या जिसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग मेडिसिन्स ऑनलाइन। तो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो बहुत पहले से ही फेमस है, कोविड से भी पहले से लोग ऑनलाइन से दवाइयाँ ऑर्डर करते आए हैं। और ऑर्डर करने के पीछे रीजन भी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपको क्या है, दवाइयाँ मिल जाती है आसानी से ऑनलाइन से, डिस्काउंट पर, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट, और घर पे डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, तो हर कोई ये करता। और एक आता है हॉस्पिटल्स। अभी हॉस्पिटल्स तो नॉर्मली आप कोई चाहता नहीं है कि एडमिट होना, बट बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग लेते हैं हॉस्पिटल डिस्काउंट कार्ड्स। ओके, इसमें अलग अलग लिमिटेशन आता है, जैसे कि आपने अगर किसी का हेल्थ प्लान लिया होगा तो उसमें कुछ सेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रहते हैं जिसमें डिस्काउंट रहता है। ठीक है, और हॉस्पिटल के डिस्काउंट कार्ड्स भी आते हैं, बट उनका भी एक नेटवर्क फिक्स होता है और वो वही जगहों पर आप जा सकते हैं जिसके अंदर एक एक्स अमाउंट का डिस्काउंट होता है, 10, 20, 30% के हिसाब से होता है, ज्यादा करके 10-20 के बीच में ही ये होता है। तो उसके लिए आप कुछ पैसे देते हो और वो कार्ड लेते हो और उसे इस्तेमाल करते हो। तो ये एक हो गया। इसके अलावा एक और जो आता है वो है डाइटिशियन कंसल्टेशन। ओके, जैसे डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है वैसे डाइटिशियन का होता है। तो या तो आपको वेट बढ़ाना है, घटाना है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं डाइटिशियंस के कंसल्टेशंस। तो पहले तो बहुत फिजिकल ज्यादा होता था, लेकिन कुछ सालों में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी काफी बढ़ गया है और कोविड से वो सर्विस और ऊपर जा चुकी है। तो ऐप्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स है जिससे आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हो, कुछ कुछ पूरे ऑटोमेटेड होते हैं जिसमें आप सिर्फ फॉर्म भरते हो, बट एक प्रॉपर डाइटिशियन का कंसल्टेशन जो ऑनलाइन होता है या वीडियो कॉल पर होता है, जिसमें वो आपसे एक प्रॉपर आपके लिए एक स्लॉट देते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं और आपको फिर वो कंसल्टेशन देते हैं, तो वो चीजें काफी महंगी होती है। ओके, तो आपने अभी देखा ये अलग अलग जो सर्विसेज है, ये सारी ई हेल्थ की अलग अलग सर्विसेज है।
आप इसे अलग अलग खरीद सकते हो अलग अलग जगह से। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी वक्रांगी में एक नया हमारे पास ई हेल्थ के दो ऑप्शंस हैं, जो ये सारी सर्विसेज अब तक हमने जितनी देखी वो एक ही साथ एक ही पैकेज में दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया वो पैकेज महंगे भी नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसे पैकेजेस तो 10-12-15 हज़ार में मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप हर एक चीज को कैलकुलेट करो तो उतना ही होता है, बट वो उतने के ना होकर बहुत ही कम दाम पर मिल रहे हैं। ओके, तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे कि ई हेल्थ के हमारे पास क्या प्लान्स है। तो हमारे पास है दो कंपनी जो ये प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक है मेडिबडी और दूसरा है वी हेल्थ। ये दो कंपनी है मेडिबडी और वी हेल्थ, जिसके द्वारा हम ये हेल्थ प्लान्स दे रहे हैं, ठीक है, जो ये हेल्थ प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ई हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जितनी चीजें देखी ये सारी चीजें इनके एक ही प्लान में आ जाती है, और वो भी बहुत ही कम दाम पर। तो आइए देखते हैं इन दोनों के प्लान्स एक एक करके हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में।